Audio Jungle. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सवित और आप देख रहे हैं तेज नगाह न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं श्री भगवान शर्मा, भाजपा महामंत्री ब्रह्मपुरी मंडल। मैं इनसे आज खास बातचीत करूंगा तीन मुद्दों को लेकर। सर, पहला मुद्दा मेरा ये है, जो आपने शराब नीतियों को लेकर चक्का जाम किया था हस्ताक्षर अभियान के बाद, उसका कुछ असर आपको दिखा? असर जरूर दिखेगा और दिल्ली की जनता सब समझ चुकी है कि केजरीवाल की नीति और करनी पे बहुत फर्क है। केजरीवाल झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कोई काम ही नहीं करते हैं। और जो शराब का इन्होंने जगह जगह खोली हैं, घरों में लोग जो है ना खोलते जा रहे हैं और अगल बगल में जो है ना बहुत ठेके खुल रहे हैं। एक बार के अंदर तीन तीन ठेके खुल रहे हैं, पूरे विधानसभा के अंदर 12 ठेके। तो जनता बहुत परेशान है। कहीं जब आपने कहा जनता बड़ा परेशान है, जब आपने चक्का जाम किया उस दिन जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो आपको उस दिन परेशानियाँ नहीं दिखी? क्योंकि अभी ओमिक्रॉन के जो कोरोना का संक्रमण बहुत तेज फैलता जा रहा है और हस्ताक्षर अभियान का कुछ भी असर नहीं दिखा था चक्का जाम के पहले। लेकिन क्या है कि अभी जो है हम और चक्का जाम करते, जेल भरो आंदोलन भी करते, लेकिन ओमिक्रॉन के उसके बाद इसी की वजह से जो है ना हम रुक गए हैं। और अब आगे जो है ना आने वाले टाइम में जैसे ही कोरोना थोड़ा कम होगा तो उसके लिए आंदोलन करेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे, इसके लिए जो है ना जरूर आंदोलन करेंगे। आपको लगता है कि जो शराब नीति है वो वापस होंगी? करनी पड़ेंगी, केजरीवाल को जरूर करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, बहुत तगड़ा करके आंदोलन होगा। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कल पंजाब में जब नरेंद्र मोदी जी का रैली जो वो करने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर उनको 20 मिनट तक रुकना पड़ा फ्लाईओवर पर, तो इस वजह से आप क्या कहेंगे? ये तो कांग्रेस सरकार की जो है ना बहुत गलत जो है ना वो है। और कांग्रेस जो है ना हमारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री को मानने की स्कीम बना रही थी, लेकिन बस किसी भी तरह से ऊपर वाले की कृपा है। जबकि नहीं कहा गया है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के चन्नी साहब, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब किसानों का किया जा रहा था। ये तो सोची सजी रणनीति थी और सोचा चन्ना सब कुछ वो था। ये जो है ना जानबूझ के रास्ता रुकवाया गया है और चन्नी सरकार ने और कांग्रेस की सरकार जो है ना नाकामी अपनी जो है ना दिखा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, जनता सब देख रही है और आने वाले इलेक्शन में जनता इनको जवाब देगी। और किसी भी कीमत पे जो है ये चन्नी सरकार नहीं आएगी, कांग्रेस सरकार नहीं आएगी अब पंजाब में। पंजाब की जनता भी सब समझ गई है कि हमारे कितने लोकप्रिय, पूरे विश्व के लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी लोग भगवान मानते हैं, उनका रास्ता रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री जाने की सूचना हर मुख्यमंत्री पे होती है, मुख्यमंत्री के अलावा किसी पे होती नहीं है। ये सारा कुछ करवाया है। तो कोरोना के चलते रैलियाँ जरूरी हैं क्या सर? नहीं, रैलियाँ तो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं, अब तो जो ना थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन ज़रूरी भी है। जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे तो रैली होंगी ये तो। और अभी पिछले एक दिन में 90,000 से ज़्यादा केस भारत में आए हैं, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? लोगों को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? जैसे दिल्ली में भी बहुत सारे मामले बढ़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री को भी कोरोना हो गया है। वो हमारे मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री जी सब नज़र रख रहे हैं और सभी राज्यों को जो है ना वो दे रहे हैं समय समय पर गाइडलाइन कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, टेस्टिंग ट्रेसिंग टेस्टिंग ये ज़्यादा। आप जिस एरिया में महामंत्री हैं, तो क्या आपका एरिया जो है वो एहतियात बरत रहा है कोरोना वायरस को लेके, गाइडलाइंस का पालन कर रहा है? बिल्कुल, जो है ना हमारा एरिया गाइडलाइन वो कर रहे हैं और गाइडलाइन से ही चल रहे हैं, कोरोना का पालन कर रहे हैं हर तरह से जो है ना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्री भगवान शर्मा।